अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरे किचन में बन रहा था हर्बल शैम्पू, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा इससे। और ये शैम्पू मैं अपने लिए भी बनाती हूँ और दूसरों को देने के लिए भी बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आज इसकी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और आजकल बहुत से लोगों को बालों की प्रॉब्लम हो रही, किसी के हेयर फॉल हो रहे, किसी के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बालों में डैंड्रफ हो रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने रीठा ले लिया है, रीठा, शिकाकाई और आंवला और अलसी। अलसी ये चारों चीज़ें हमें एक ही बराबर लेनी है। और रोज़मेरी, यहाँ पर मैंने रोज़मेरी लिया है, मेथी दाना और चावल, ये तीनों चीज़ हमें एक बराबर लेनी है। मतलब जैसे हमने रीठा, शिकाकाई, आंवला जो हम ज़्यादा लिया है ना, तो उससे कम हम यही रोज़मेरी, मेथी दाना और चावल लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना नाप से लिया है। और यहाँ पर दो एलोवेरा मैंने लिया है, फ्रेश एलोवेरा लिया है। आपके पास नहीं है तो आप बाद में इसमें एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, मुझे आसानी से मिल गया था तो मैंने उसका यूज़ किया है। और यहाँ पर सारी चीज़ों को हम धोकर अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, और ज़्यादा हमें इसे रगड़ कर नहीं धोना है, बस हल्के हाथों से इसे मसलना है। ज़्यादा घसेंगे ना तो उसका सारा जो भी झाग वगैरह इसी में निकल जाएगा, तो बस हल्के हाथों से इतना मसलना है कि इसकी मिट्टी वगैरह जो भी हो वो निकल जाए, क्योंकि वो जो मिट्टी होती है ना हमारे बालों को नुकसान दे सकती है, इसके लिए हम उसकी मिट्टी निकाल देंगे। और यहाँ पर भृंगराज मैंने लिया है, भृंगराज को भी मैं उसी पानी में भिगा कर धो लूँगी। और ये भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों में कलर आता है इससे, काला बाल काले होते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी मिट्टी इसमें से निकली है, तो बस इस तरह से हमें निकाल कर इसमें साफ़ पानी भरकर हम रख देंगे। और मेथी दाना भी डाल देंगे और रोज़मेरी जो ली थी ना हमने वो भी डाल देंगे। अलसी को हमें नहीं डालना है अभी, अलसी हम सुबह में जब इसको पकाएंगे ना तब इसे यूज़ करेंगे। पानी डालकर हमें ये सारी चीज़ें रात में ही करनी है, रात में ही पानी डालकर इसको अच्छी तरह से वॉश करके भिगा कर हम साइड में रख देंगे। और अच्छा, एलोवेरा जब हम लेते ना तो एलोवेरा को जब तोड़ते ना तो उसके बाद में उसको येलो जेल होता है ना वो निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, नुकसानदेह होता है। तो मैंने भी यहाँ पर धोकर काट के भिगा दिया, एक घंटा भिगाने के बाद में मैं उसमें डालूँगी। और चावल को भी मैंने भिगा दिया है, सारी रात हमें इसे भिगा कर पूरा रखना है। और सुबह में मैंने यहाँ पर बड़े टोप में ले लिया, क्योंकि वो जब मैंने रात में भिगाया था ना तो छोटा पड़ रहा था पतीला मुझे, तो मैंने यहाँ पर बड़े पतीले में ले लिया है। और चावल का पानी हम डालेंगे इसमें, चावल को हमें नहीं डालना है, सिर्फ पानी ही डालना है इसका। और अलसी डालेंगे, अलसी को हमने भिगाया नहीं था क्योंकि अलसी साफ़ होती है तो उसको भिगाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अलसी डालने से ये फ़ायदा होता है ना कि शैम्पू हमारा गाढ़ा हो जाता है, इससे इसमें थिकनेस आती है, तो मैंने यहाँ पर अलसी भी थोड़ी ज़्यादा ली है। और हमें इसे अभी एक घंटा पकने के लिए रख देना है, क्योंकि मेरा ये सब जो भी मटेरियल है ना ज़्यादा है, तो उसके लिए मैंने एक घंटा इसे पकाया है। और इतना पकाना है कि ये स्टिकी सा हो जाए, जैसा जेल जैसा हो जाए, इतना हमें इतना इसको पकाना है। तो बस अभी मेरा यहाँ पर ये तो बन पक चुका है, तो अभी मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी। और यहाँ पर हमें इसे गर्म में ही छान लेना है, क्योंकि जब ये ठंडा होता है ना तो ठंडा होने के बाद में जमना चालू हो जाता है और एक जेल जैसा होने लगता है। तो बस हमें इसे गर्म में ही छान लेना है, तो कोशिश करें कि आप लोग भी इसे बनाएं तो गर्म में ही छान लें। और बस अभी मैं एक ही हाथ से कर रही हूँ ना, इसके लिए मैं आस्ते आस्ते निकाल रही हूँ, बाद में मैंने पूरा डाल दिया था इसमें। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पानी निकल कर आए ना, इतने इसके तो इतने फ़ायदे हैं ना कि आप लोग जब इसको शैम्पू बनाकर यूज़ करेंगे ना तो आपको इसका फ़ायदा मालूम पड़ेगा। और यहाँ पर अभी मैंने ये एक पानी निकाल दिया, अभी दूसरी बार भी हमें ये जो गुद्दा बचा है ना इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, दूसरी बार और इसमें पानी डालकर इसको पकाएँगे। और इसके इतने फ़ायदे हैं ना कि आपको जब ये बनकर पूरा तैयार होगा तो ही आपको इसका फ़ायदा मालूम पड़ेगा। और दूसरी बार हमें इतना नहीं पकाना है, एक घंटा बस हमें इसे 15-20 मिनट ही पकाना है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने इतना पानी डाला है, अब इसे 15-20 मिनट और पकाऊंगी मैं। अभी भी इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स बचे हुए हैं, तो हम इसको पूरा इतना पकाएंगे ना कि इसके जितने भी फ़ायदे हम पूरे लेंगे। और ये जो दूसरा पानी जो निकल कर आएगा उसका कलर इतना डार्क नहीं होगा जितना पहले पानी का था। और यहाँ पर अभी जो मैंने पहला पानी पकाया था ना छान कर, उसको मैंने बाल्टी में डाल दिया। और यहाँ पर दूसरा पानी भी पक चुका है, बॉईल आ चुका है, बस इसको भी हमें अभी बंद कर देना है और इसको भी हमें गर्म में ही छान लेना है। और अच्छी तरह से हम पूरा ऊपर नीचे से मिक्स कर लेंगे।
और डबल छन्नी से मैं यहाँ पर अभी छान रही हूँ, क्योंकि इसमें जो भी नीचे इसमें जो भी कचरा है ना, बारीक कचरा जो होता है उसमें नीचे आए नहीं हमारे शैम्पू में, तो डबल छन्नी से हमें छानना है इसे। और हाथ को संभाल के ही आप छाने, क्योंकि गरम गरम में ये मुझे भी दो तीन बार चटका लग चुका है, हाथ मेरा जल चुका था। और यहाँ पर अभी ये दूसरा पानी मैंने निकाला, इसको में भी अभी जो ये बाद में जो गुद्दा बचा है ना उसे अभी भी हम फेंकेंगे नहीं, उसमें भी अभी हम पानी डालकर उसको मसल मसल कर उसमें से जो भी बेनिफिट्स है ना वो निकालेंगे, उसे पकाएंगे नहीं। अब हम उसमें से मसल कर उसमें से बेनिफिट्स निकालेंगे। और अभी ये गर्म था तो मैंने थोड़ा ठंडा करने के लिए इसको रख दिया है। और अब ये जो दूसरा पानी था ना उसको भी मैंने बाल्टी में डाल दिया है। और आप लोग देख सकते हैं कितना गाढ़ा बना है हमारा ये शैम्पू, बनकर तैयार हो रहा है। और यहाँ पर अभी हमें इसे अच्छे से मसल मसल कर इसके सारे बेनिफिट्स हमें निकालना है। हमें लग रहा है ना कि 1% भी इसमें बेनिफिट्स बचा तो हमें उसे नहीं छोड़ना है, पूरा हमें इसमें से निकालना है। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, पूरा मैं इसमें से निकालने की कोशिश कर रही हूँ, उससे जितना हो रहा है मैं इसको मसल के निकाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना इसमें से झाग निकल रहा है। और इसमें जो भृंगराज है वो हमारे बालों के लिए तो इतना अच्छा होता है ना, कि हमारे जो भी बाल ग्रे हो रहे वाइट हो रहे तो उससे हमारे बाल काले हो जाते हैं, बालों में डैंड्रफ नहीं होता है, शिकाकाई रीठा वगैरह सब हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। और जो गंजापन नज़र आता है ना वो दूर हो जाता है उससे। और देख सकते हैं आप लोग मैं कितना मसल मसल के इसमें से निकाल रही हूँ और कितना इसमें से झाग निकला है। और ये एक अच्छा, जो बाहर लेडीज़ जो बाहर जॉब करने नहीं जा सकती उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है, घर में बनाकर आप लोग भी सेल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी मैंने ये जो तीसरा पानी निकाला था ना मसल का, वो ये आप लोग देख सकते हैं कितना गाढ़ा निकला है। और यहाँ पर अभी जो ये एक ये तीसरा और गुद्दा बचा है ना उसको हम चौथी बार और पानी डालकर हमें मसल मसल कर उसमें से गुद्दा निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर मैंने भी चौथी बार भी इसको अच्छी तरह से मसल लिया है। और कुल मिलाकर मैंने 4 बार इसमें से पानी निकाला है, 2 बार हमने पकाया था, 2 बार मैंने इसको पानी को मसल कर निकाला है। तो अभी मैंने तीसरी बार अभी ये डाला है और देख सकते हैं और कितना गाढ़ा निकला है। और अभी मैं चौथी बार डाल रही हूँ ये, आप लोग देख सकते हैं कितना गाढ़ा शैम्पू बनकर ये अभी ये तैयार हुआ है। कुल मिलाकर मैंने 4 बार इसमें से पानी निकाला है, 2 बार मैंने पकाया था, 2 बार मैंने हाथों से मसल के निकाला है और ये गाढ़ा बनकर पूरा तैयार हो गया। और अभी भी आप लोग इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चलेगा क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, इसको हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, तो इसके लिए हमें इसमें शैम्पू बेस मिलाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अभी छोटे से टोप में अलग से ले लिया है शैम्पू, और यहाँ पर अभी मैं सोपी ट्विस्ट का इसमें शैम्पू बेस मिला रही हूँ। आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, ये बिल्कुल भी पैराबिन फ्री है, SLS फ्री है, बिल्कुल भी हमारे बालों को इससे नुकसान नहीं होगा। तो बस यहाँ पर मैंने भी 2 बॉटल भरकर इसमें मिलाया है, जितना शैम्पू हमारा होगा ना उतना ही हमें शैम्पू बेस मिलाना है। तो यहाँ पर अभी मैंने 2 बॉटल भरकर इसमें डाला है और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करते जाना है। ये 2 बॉटल मैंने भर के डाला है इसमें। और विटामिन ई ऑयल मैंने डाला है यहाँ पर, 8-10 बूंदें विटामिन ई ऑयल की डाली है मैंने इसमें, और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद में ग्लिसरीन डालेंगे, ग्लिसरीन हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बाल इससे शाइनी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बालों में जो ड्राइनेस होती है ना तो वो इससे कम होती है। तो आप लोग उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी पूरा बनकर हमारा तैयार हुआ है। और अभी हम इसे अभी यूज़ नहीं कर सकते, इसको हमें 12 घंटा एक रात या 24 घंटा पूरा हमें इसको 24 घंटा तो हमें इसे रखना ही पड़ता है, उसके बाद में ही ये इसमें जो भी थिकनेस है इनका इसका गाढ़ापन जो है ना वो बाद में हमें नज़र आता है। और यहाँ पर अभी जो मेरा और शैम्पू बचा था ना मैंने डब्बों में भर कर रख लिया है और मैंने ऑर्डर दे दिया शैम्पू बेस के लिए। जब मेरा शैम्पू बेस आ जाएगा तो मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने वीडियो में दिखाने के लिए आप लोगों को इतना ही बनाकर बताया है। और बॉटल्स भी मैंने धोकर रख ली है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने ये सुबह में तो नहीं, बाद में मैंने दोपहर में इसका वीडियो लिया था, तो ये इस तरह से बनकर अभी पूरा तैयार हुआ। जो ऊपर फेस नज़र आ रहा था ना आप लोगों को, झाग नज़र आ रहा था, वो सब पूरा नीचे बैठ जाता है, बिल्कुल भी वो नहीं रहता है। इस तरह से तैयार होता है ये पूरा, और पूरा इसे 24 घंटा रखना ही पड़ता है, उसके बाद में ही इसमें पूरी थिकनेस नज़र आती है, पूरा गाढ़ापन नज़र आता है इसका। तो कोशिश करें कि आप लोग भी अपने घर में बनाए नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें और ये नेचुरल शैम्पू बनाकर अपने खुद भी लगाएं, अपने बच्चों को भी लगाएं, नेचर से जुड़ें।
और जिन जिनके सर में बाल नहीं है, बिल्कुल भी सर में गंजापन है, तो उनके सर में हम बाल तो नहीं उगा सकते। लेकिन हाँ, किसी के अगर बीमारी जैसे बाल चले गए हैं तो उनके बाल आ सकते हैं। अक्सर लेडीज़ को डिलीवरी के बाद में हेयर फॉल बहुत होने लगती है, तो उनको ये शैम्पू लगाना चाहिए। उसके उससे हेयर फॉल रुक जाती है, हेयर ग्रोथ होगी, इससे बाल अच्छे होंगे, उनके घने होंगे। और इस तरह से मैंने सारी बॉटल्स भर के रख ली, घर के लिए शैम्पू के बॉटल में मैंने भर लिया। और ये छोटी बॉटल्स मैंने आसपास में सैंपल के लिए देने के लिए रखी, मुझसे लोगों ने मांगा था। और यहाँ पर अभी मेरे ऑर्डर का भी शैम्पू तैयार हो गया, तेल भी मैं बनाती हूँ, तो तेल की वीडियो भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और यहाँ पर अभी सारा लेबल्स वगैरह भी मैंने लगा दिया, ये सारे मेरे ऑर्डर का शैम्पू और तेल है, मुझे अभी पार्सल रेडी करना है। तो अगर आपको भी मुझसे लेना है शैम्पू और तेल, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम कुक सईदा पे मुझे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आज की, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।